अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटा सा टिप। जो हमारे अम्मी ना शहरी में खाना बहुत पका दिए थे, तो शहरी में खाने वाले कम थे, शहरी में ज़्यादा खाने जाता ना, तो क्या करें, हमारे अम्मी ग्राइंडर में उसको डाल के अच्छा नमक मिर्ची क्या जिसको क्या क्या ज़रूरत है वो डाल के क्या करें उसको अच्छे से पीस लिए। उसके बाद ये जो मुरकुल डालने की मशीन है ना, उसमें आटा भरा के छोटे छोटे साइज़ के मुरकुल डाल लिए। खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें टिप है आप सबके लिए। अगर आपके घर में भी खाना ज़्यादा हो गया, मतलब बच गया, तो फेंकिए मत, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये अलग अलग किस्म के मुरकुल डाले हैं, तो इसमें ग्रीन दिख रहे हैं मगर वो ग्रीन नहीं है, येलो कलर के हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, किसी भी कवर या किसी भी पेपर पर आप डाल सकते हैं, डालकर उसे छत पर सुखा दीजिए। छत पर या जहाँ भी आपके घर में धूप आती हो वहाँ पर सुखा दीजिए, वो एक या दो दिन में सूख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने गोल 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 मुरकुल डाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने गोल गोल मुरकुल डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग का लेटर भी लिखा है ए, मगर वो पता नहीं कहाँ घूम गया, हमारे अम्मी तोड़ दिए शायद। तो इस तरह से अगर आपके भी घर में अगर खाना बच गया तो ऐसा इस्तेमाल करो, वेस्ट नको करो, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने हार्ट शेप बनाया है, वो हार्ट तो सूखे बाद तो आधा टूट गया था, मगर कोई बात नहीं, मेरे से एक्सपेरिमेंट्स नको करो, आप खाली गोल गोल मुरकुल डालो। तो आप देख सकते हैं ये मैंने हार्ट बनाया, वो जो भी टेढ़ा है लाइट उसको लाइट लो। नेक्स्ट मैंने और थोड़े मुरकुल डाले। पूरे मुरकुल डालने के बाद हम लोग लेकर गए उसे छत पर, और छत पर उसे अच्छी से तरह से धूप लगने के बाद, वो अच्छी तरह से सूख जाने के बाद, एक दिन में ही ऑलमोस्ट सूख गए थे, मगर थोड़े थोड़े कच्चे थे तो हम लोग दो दिन सुखाए, आप लोगों की मर्ज़ी है वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मुरकुल सूख चुके हैं, तो हमारे मम्मी ने कवर से निकाल दिए हैं, और अब आपको तल कर भी बताएँगे कि कैसे है ये मुरकुल। तो हमारे मम्मी तेल में गरम गरम तेल में मुरकुल डाल दिए, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से मुरकुल को तलने के बाद आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, वगैरह वगैरह, आपको तो मालूम ही होगा। तो हमारे मम्मी तलने के बाद बहुत मुरकुला तल दिए, तो ये है मुरकुल तलने के बाद का नज़ारा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा आस्क क्वीन।